हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। यहाँ पर जिस वीडियो में 10 सबसे सस्ती स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप भी इस फेस्टिवल सीजन कोई स्कूटर खरीदने की सोच रहे हो लेकिन आपका बजट थोड़ा सा कम हो, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए है कि अगर आप एक स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं जो कि पेट्रोल सेगमेंट में आती है, तो सबसे सस्ती 10 कौन से स्कूटर इंडिया मार्केट में अभी मौजूद हैं उनके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पे सस्ती का मतलब ये नहीं कि प्राइस में अपनी तरफ से आपको सस्ती करके बताऊंगा, सस्ती का मतलब ये जो भी इंडियन मार्केट में स्कूटर्स मौजूद हैं वो कम सीसी के साथ ही आती हों लेकिन जो सस्ते रेट में मिल जाती हैं, जिसकी प्राइस अभी तक सबसे कम है, उन स्कूटर्स के बारे में आपको जानकारी देंगे। इसके साथ ही उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी होगी, वो इसके फीचर्स हो, माइलेज हो, ये भी सारी जानकारी आपको दे देंगे, जिससे कि आप एक अच्छी और कम प्राइस वाली स्कूटर आप परचेस कर सकें। तो चलिए सारी बातें आपको डिटेल में बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th नंबर से स्टार्ट करते हैं। तो 10th नंबर पे सुजुकी कंपनी की आने वाली एक्सेस 125 है। 125 सीसी में ये स्कूटर आती है, लगभग 50 kmpl तक माइलेज भी देती है और इसकी जो एक्सरूम प्राइस है 77,600 रुपीज़ से स्टार्ट होती है। इसमें आपको कई सारे अलग अलग वेरियंट मिल जाते हैं और इस वीडियो में जितने आपको स्कूटर्स बताएंगे उनमें आपको हर मॉडल में अलग अलग वेरियंट मिल जाते हैं। ज़्यादा फीचर्स वाले वेरियंट लेंगे तो प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ये प्राइस जितना भी होगा वो स्टार्टिंग प्राइस एक्सरूम दिल्ली का होगा। किसी और भी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे होंगे तो प्राइस थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है और ऑनरोड प्राइस इस एक्सरूम प्राइस से 12,000 से 15,000 रुपये तक ज़्यादा होती है, क्योंकि RTO प्लस इंश्योरेंस का पैसा उसमें ऐड हो जाता है। अगर आप कुछ एक्सेसरीज अलग से लगवाते हैं तो वो भी प्राइस इसमें ऐड हो जाती है। तो सुजुकी एक्सेस की बात कर रहे थे तो इसमें आपको फीचर्स अच्छे खासे मिल जाते हैं। डिजिटल मीटर और एनालॉग मीटर का ऑप्शन मिल जाता है। बेस वेरिएंट लेंगे तो वहाँ पे आपको एनालॉग मीटर मिलेगा। तो इसमें USB पोर्ट भी दिया गया है, फ्रंट में स्टोरेज मिल जाता है कुछ सामान वगैरह रखने के लिए, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग भी दी गई है। तो फीचर्स इस स्कूटर में ठीक ठाक दिया गया है। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर पे यामाहा कंपनी की आने वाली फसिनो 125 है। 125 सीसी में ये भी स्कूटर आती है और ये थोड़ी सी रेट्रो क्लासिक लुक देती है। इसका लुक यहाँ पे देख सकते हैं। 50 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज ये भी देती है। प्राइस की बात करें तो एक्सरूम दिल्ली में 76,100 रुपीज़ यानी कि 76,100 रुपये से स्टार्ट होती है और इसमें आपको एक चीज़ कमी देखने को मिल जाएगी, फ्यूल फिलिंग सीट के नीचे दी गई है। हालांकि इसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, यामाहा वाई कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसमें कंपनी आपको कई सारे कलर ऑप्शन भी देती है, डिस्क और ड्रम ब्रेक दोनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इस लिस्ट में 8th नंबर पे होंडा कंपनी की आने वाली एक्टिवा 6G है। हालांकि इंडिया के सबसे ज्यादा बेची जाने वाली स्कूटर है लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी आपको महंगी मिलती है। इसके जो एक्सरूम प्राइस दिल्ली में 73,086 यानी कि 73,086 रुपये से स्टार्ट होती है और ये लगभग आपको 50 से 53 kmpl तक माइलेज भी देती है। और हालांकि इसमें भी आपको कई सारे वेरियंट मिल जाती है, प्रीमियम एडिशन भी इसमें कंपनी कुछ टाइम पहले लॉन्च की थी। फीचर्स हालांकि बहुत ही लिमिटेड दिए गए हैं, एनालॉग मीटर बेसिक सा देखने को मिल जाता है, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है। फिर भी इस स्कूटर को इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है क्योंकि ये काफ़ी कंफर्टेबल और परफॉर्मेंस वाइज काफ़ी अच्छी स्कूटर है। तो इस लिस्ट में 7th नंबर पे हीरो कंपनी की आने वाली डेस्टिनी 125 है। ये एक ऐसी स्कूटर है जो कि 125 सीसी में बाकी अन्य स्कूटर से काफ़ी, एक्टिवा 6G से भी ये सस्ती मिल जाती है। इसकी जो एक्सरूम प्राइस है 71,108 यानी कि 71,108 रुपये से स्टार्ट होती है। इसमें भी आपको 50 से 55 kmpl माइलेज मिल जाती है और इसमें LED लाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है जो कि हीरो कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। USB पोर्ट भी दिया गया है जहाँ से स्मार्टफोन चार्ज कर सकते हैं। एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है और फ्रंट में स्टोरेज भी आपको मिल जाता है। तो फीचर्स भी इसमें अच्छे खासे दिए गए हैं। तो इस लिस्ट में जो 6th नंबर पे TVS कंपनी की आने वाली जुपिटर 110 है, इसमें भी आपको 55 से 60 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। इसका भी लुक आप देख सकते हैं, इसमें कंपनी कई सारे अलग अलग वेरियंट देती है 110 सीसी सेगमेंट में, लेकिन जो दूसरा वेरिएंट है जिसमें फुली डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, ZX वेरिएंट है, क्लासिक वेरिएंट है, ये सारे वेरिएंट थोड़ी सी महंगी है लेकिन जो इसका बेस वेरिएंट है वो आपको काफ़ी सस्ता मिल जाता है। एक्सरूम प्राइस 69,990 यानी कि 69,990 रुपये से एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है। इसमें आपको बेस वेरिएंट लेते हैं जो इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही है, उसमें एनालॉग मीटर मिल जाएगा, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है, USB पोर्ट मिल जाता है, फ्रंट में स्टोरेज दी गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो इस लिस्ट में 5th नंबर पे हीरो कंपनी की आने वाली मेस्ट्रो 110 है। हालांकि स्कूटर थोड़ी सी कम जरूर बेची जाती है लेकिन आपको कम प्राइस के साथ अच्छी फीचर्स भी इसमें मिल जाती है, 50 से लेकर 55 kmpl तक माइलेज मिल जाती है। एक्सरूम प्राइस 68,698 यानी कि 68,698 रुपये से इसकी एक्सरूम प्राइस स्टार्ट होती है। इसमें आपको डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल मिल जाता है, हीरो कनेक्ट ऐप के जरिए इसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटर्नल फ्यूल फिलिंग दी गई है और इसका लुक भी आप देख सकते हैं, ग्राफिक्स इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है, हालांकि प्लास्टिक का आपको बॉडी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस लिस्ट में जो 4th नंबर पे है होंडा कंपनी की आने वाली DU है जो कि 110 सीसी में आती है और होंडा कंपनी के स्कूटर 110 सीसी में स्पोर्टी सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है। यंग जनरेशन को ये स्कूटर काफ़ी पसंद आती है। इसमें आपको 53 kmpl तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है,
प्राइसिंग की अगर बात करें तो एक्सरूम दिल्ली में 68,352 यानी कि 68,352 रुपये से एक्सरूम प्राइस इसकी स्टार्ट होती है। फुली डिजिटल डिस्प्ले और एनालॉग डिस्प्ले दोनों का आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है। बेस वेरिएंट में एनालॉग मीटर दिया गया है। बाकी इसमें आपको एक्सटर्नल फील फिलिंग भी देखने को मिल जाती है, बूट स्पेस देखने को मिल जाती है। पोजीशन लैंप बेस में दिया गया है यानी कि DRLs आपको देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स आपको इसमें मिल जाती है। तो इस लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे हीरो कंपनी के आने वाली प्लीजर प्लस है। हालांकि जो इसमें एक्सट्रैक्ट वेरिएंट मिलता है वो थोड़ी सी महंगी है, स्टैंडर्ड वेरिएंट लेंगे तो वो आपको थोड़ी सस्ती मिल जाएगी। इसमें भी आपको 55 की MPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है प्लीजर प्लस का एक्सरूम दिल्ली में 66,768 यानी कि 66,768 रुपये से स्टार्ट होती है। एक्सट्रैक्ट वेरिएंट जो है वो काफ़ी महंगी मिल जाती है। इसमें आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है। अगर आप एक्सट्रैक्ट लेंगे तो डिजिटल एनालॉग मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा। सीट के नीचे इसमें फ्यूल फिलिंग दी गई है। इस स्कूटर में यही थोड़ी सी आपको कमी देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक्सट्रैक वेरिएंट के साथ जाएंगे जिसमें आपको बैक रेस्ट भी देखने को मिल जाती है, फीचर्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी महंगी मिलेगी। सस्ती चाहिए प्लीजर प्लस में तो स्टैंडर्ड मॉडल आप ले सकती हैं। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। सेकंड नंबर पे TVS कंपनी की आने वाली ZS 110 है। ये स्कूटर थोड़ी सी स्लिम डिजाइनिंग की देखने को मिल जाती है। TVS कंपनी की ये सस्ती स्कूटर आपको मिल जाती है जिसमें आपको 55 से 60 KMPL तक अप्रॉक्स माइलेज मिल जाती है। और इसकी जो एक्सरूम प्राइस है दिल्ली में 71,636 यानी कि 71,636 रुपये से स्टार्ट होती है। इसमें आपको एनालॉग बेसिक सा मीटर कंसोल मिल जाता है, फ्रंट में पॉकेट भी दिया गया है, बूट स्पेस मिल जाता है, फ्यूल फिलिंग बूट के नीचे ही दी गई है। तो इस स्कूटर में ये भी थोड़ी सी आपको कमी जरूर देखने को मिल जाएगी। बाकी ये सस्ती स्कूटर में सेकेंड लिस्ट पे ये स्कूटर आपको देखने को मिल जाती है। तो इस लिस्ट में जो सबसे पहले नंबर पे है ये भी TVS कंपनी के आने वाली स्कूटी पे प्लस है। ये स्कूटर्स खासकर गर्ल्स के लिए डिज़ाइन किया गया था। काफ़ी स्लिम डिजाइनिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी कम सीसी के साथ भी आती है। लगभग 87.8 CC इंजन दी गई है जिसकी वजह से इसमें माइलेज ज़्यादा मिल जाता है और प्राइस भी इसकी बाकी अन्य स्कूटर से काफ़ी कम है। फीचर्स हालांकि इसमें भी आपको ठीक ठाक मिल जाती है क्योंकि हेलोजन हेडलैम्प के साथ LED DRLs का इस्तेमाल किया गया है। एनालॉग मीटर मिल जाता है और इसमें मोबाइल चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है जो कि आपको प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिलती है लेकिन इस स्कूटर में भी दी गई है। 60 KMPL तक माइलेज भी देती है। प्राइसिंग की बात करें तो एक्सरूम दिल्ली में 63,284 यानी कि 63,284 रुपये से एक्सरूम प्राइस इसकी स्टार्ट होती है। तो ये स्कूटर सबसे सस्ती आपको ये देखने को मिल जाती है। तो इंडियन मार्केट में अगर आप सबसे सस्ती स्कूटर देख रहे हैं तो आपको TVS कंपनी की यही स्कूटी पे प्लस देखने को मिलेगी। लगभग एक्सरूम प्राइस 63,000 रुपये के आसपास में है। ऑनरोड प्राइस ये मान के चल सकते हैं 74,000 से 75,000 रुपये हो सकती है। और इन स्कूटर्स का प्राइस पहले से काफ़ी बढ़ गया है क्योंकि अभी 2-3 साल पहले तक इतने प्राइस में आपको होंडा एक्टिवा 5G तक मिल जा रहा था। तो इस समय इन स्कूटर्स का प्राइस काफ़ी बढ़ गया है। फिर भी आप इनमें सस्ती स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो यही 10 स्कूटर आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा जिसमें फीचर्स जो सबसे सस्ती है उसमें थोड़ा सा कम मिलेगा, लुक भी थोड़ा सा दूसरे अन्य स्कूटर से थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। लेकिन इस लिस्ट में आपको एक्टिवा 6G देखने को मिल जाती है, जुपिटर देखने को मिल जाती है, मेस्ट्रो देखने को मिल जाती है, डियो देखने को मिल जाती है, यामा फसिनो देखने को मिल जाती है। तो ये स्कूटर्स इंडियन मार्केट में काफ़ी पॉपुलर हैं। ये सभी पॉपुलर मैंने प्राइस के हिसाब से यहाँ पे आपको लिस्ट दे दिया है। अगर आपको जो पसंद आती है, जो आपके बजट रेंज के अंदर आती है, उसको आप ले सकते हैं। इनमें से कौन सा स्कूटर आपको ज़्यादा पसंद है, कौन सा आप यूज़ करते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सबसे सस्ती बाइक्स के बारे में जानकारी चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने इसके पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने देखा भी है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आई बटन मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कंपैरिजन वाले पोस्ट डेली न्यूज़ आपको देखने को मिल जाती है। और कई सारे वीडियोज़ जल्दी नहीं आ पाती है लेकिन वहाँ पे पोस्ट वीडियोज़ पहले आपको देखने को मिल जाती है। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मिनट जगमोहन वहाँ पे सर्च कर सकते हैं, मिनट ऑटो भी सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि इस फेस्टिवल सीजन और आपके फैमिली कोई दोस्त स्कूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी ये वीडियो। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।